हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रॉकी। वेलकम करता हूं मेरा चैनल रॉक सिविल नॉलेज। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज का टॉपिक यह है कि सिविल इंजीनियर को बेसिकली क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे सर्वे वर्क से। सर्वे वर्क में मिनिमम आपको ऑटो लेवल मशीन यूज़ करना आना बहुत ज़रूरी है। एक्सेवेशन लेवल हो या रूट टॉप लेवल हो, एंजल हो, कॉलम बीम का हाइट देना हो, वो सब जगह में आपको ऑटो लेवल मशीन यूज़ करना पड़ेगा। एज ए साइट इंजीनियर आपको क्वालिटी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एग्जांपल ब्रिक का देखिए, जैसा यूनिफॉर्म साइज चेकिंग, साउंडनेस टेस्ट कैसे किया जाता है साइट में, हार्डनेस टेस्ट कैसे किया जाता है, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट कैसे किया जाता है साइट में, मिनिमम ब्रिक का इतना टेस्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखेंगे सीमेंट का क्या क्या टेस्ट है। सीमेंट का फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक, लॉम्स चेक, रूविंग टेस्ट, फ्लोर टेस्ट, हैंड इंसेक्शन टेस्ट आपको पता होना चाहिए। सैंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा सैंड प्लास्टर में यूज होगा और कौन सा सैंड कंक्रीट में यूज होगा। नॉर्मली एक इंजीनियर को सब चीज का क्वांटिटी कैलकुलेशन आना चाहिए, जैसा कंक्रीट का वॉल्यूम निकलना, कंक्रीट का मेटल कैलकुलेशन करना, ब्रिक वर्क का क्वांटिटी कैलकुलेशन करना, शटरिंग का भी मेटल कैलकुलेशन करना, स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन करना, मिनिमम ये चारों आपको आना ही चाहिए। स्टील वर्क में स्टील का वेट कैलकुलेशन पता होना चाहिए, स्टील का कटिंग लेंथ निकलना पता होना चाहिए, कॉलम बीम का लैपिंग जोन आपको पता होना चाहिए और स्ट्रक्चरल ड्राइंग को स्टडी करना आना चाहिए। एज ए साइट इंजीनियर कंक्रीटिंग होने से पहले आपको कुछ चेक करना पड़ता है, जैसा क्लियर कवर चेक करना होगा, स्टील का स्पेसिंग चेक करना है एज पर ड्राइंग, शटरिंग चेकिंग करना है। एग्जांपल कॉलम का होगा तो डायगोनल चेक होगा, कॉलम का साइज चेक होगा, कॉलम का सपोर्ट सही है ना नहीं चेक करना पड़ता है, स्लम कुन टेस्ट और कंक्रीट का रेशियो। मिनिमम इतना पॉइंट एक साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए। ऐसा ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।